नमस्कार दोस्तों, डैडोक हेल्थ पर आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे आँखों की एक बहुत ही कॉमन बीमारी, जिसे काला मोतिया या काला पानी भी कहते हैं, या मेडिकल भाषा में उसे ग्लॉकोमा भी कहते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे ग्लॉकोमा या काला पानी के क्या लक्षण होते हैं, जिससे कि आप समय रहते इस बीमारी की पहचान कर सकें और डॉक्टर से कंसल्ट कर सकें, जिससे आपकी आंखों की जो रोशनी है वो बचाई जा सके। और साथ में आप जानेंगे ग्लॉकोमा या काला पानी के क्या आधुनिक इलाज इस समय हमारे देश में अवेलेबल है। और यह जानकारी हमें देंगी जयपुर की प्रसिद्ध और अनुभवी आई स्पेशलिस्ट ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर अनुभूति शर्मा। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन डॉक्टर अनुभूति शर्मा के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनुभूति शर्मा आई स्पेशलिस्ट SRK हॉस्पिटल जयपुर में कार्यरत हूँ। आज हम एक गंभीर समस्या के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, जिसका नाम है ग्लॉकोमा। इसे हम काला पानी, काला मोतियाबिंद या कांच बिंदु भी कहते हैं। काला मोतियाबिंद या ग्लॉकोमा ये गंभीर समस्या है। इसमें आदमी की रोशनी धीरे धीरे कम होती जाती है। इसे इंसान को पता नहीं लगता कि उसे कोई दिक्कत है, क्योंकि इसमें कोई लक्षण नहीं होते। रोशनी धीरे धीरे कम होती हुई उस स्टेज तक पहुंच जाती है जब उसे नज़र आना बंद हो जाता है, और जब वो डॉक्टर के पास जाता है तब उसे पता चलता है कि उसे ग्लॉकोमा है। इसमें दिक्कत ये आती है कि लक्षण नहीं होते हैं, कोई साइंस नहीं होते हैं, कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, तो इंसान को पता नहीं चलता है कि वो ग्लॉकोमा से ग्रसित है। इसमें जितनी रोशनी जा चुकी होती है हम उसे तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन जो बच गई है उसे बचाने की कोशिश कर सकते हैं। अब ग्लॉकोमा के बारे में जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये क्यों होता है, कैसे होता है और क्या होता है। सबसे पहले हम एक आई मॉडल लेंगे। हमारी आंख के अंदर एक एक्वस ह्यूमर के नाम से फ्लूइड बनता है, एक द्रव बनता है जो सर्कुलेट होता रहता है। ये जो फ्लूइड है ये आँखों का पोषण देता है और आँखों का स्ट्रक्चर मेंटेन करता है। अब इस फ्लूइड का बनना और इस फ्लूइड का निकलना, इस संतुलन में ही हमारा आँखों का प्रेशर मेंटेन रहता है। अगर इसका बनना ज़्यादा हो जाता है और निकलना कम हो जाता है तो ये अंदर ही अंदर सर्कुलेट करता है, जिसके कारण आँखों का प्रेशर बढ़ता है। और जब आँखों का प्रेशर बढ़ता है तो जो आँखों में रोशनी प्रदान करने की जो नस है, जिसको हम ऑप्टिक नर्व बोलते हैं, इसमें दबाव आने लग जाता है। अब जैसे जैसे ये दबाव बढ़ता रहता है तो ऑप्टिक नर्व की आकृति में बदलाव आने लग जाता है। जब ये बदलाव आने लग जाता है, इसके जो नर्व फाइबर्स होते हैं वो डैमेज होने लग जाते हैं। हमारी इस नस के अंदर 1 मिलियन नर्व फाइबर्स हैं, छोटी 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 नसें हैं। जितना जितना प्रेशर बढ़ेगा उतना उतना नसों का डैमेज होगा। इम्पॉर्टेंट बात जानने की ये है कि जब नस डैमेज हो जाती है वो कभी रीजेनरेट नहीं हो सकती। इसका मतलब जो हमारी रोशनी प्रदान करने की नस है, जब ये ख़राब हो जाती है हम वो नज़र वापस नहीं ला सकते, क्योंकि हम नस को ठीक नहीं कर सकते। लेकिन जो नर्व फाइबर्स जीवित हैं, जो बचे हुए हैं, हम उनकी रोशनी को बचा सकते हैं। अब ये जो एक्वस ह्यूमर है ये यहाँ से ड्रेनेज एंगल से निकलता है, तो इसका निकलना और इसका बनना, इसका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से हमारा इंट्रा ऑक्युलर प्रेशर, मतलब अंदर आँखों का प्रेशर मेंटेन रहता है और नॉर्मल लिमिट होती है 21 मिलीमीटर मर्कुरी से नीचे। अगर हमारा प्रेशर 21 मिलीमीटर मर्कुरी से ऊपर जाता है तब हम उसको ग्लॉकोमा का सस्पेक्ट मानते हैं। अब हम जानते हैं कि ग्लॉकोमा कितने तरह के होते हैं। ये मुख्यतः दो तरह के होते हैं, प्राइमरी ओपन एंगल ग्लॉकोमा और प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लॉकोमा। ओपन एंगल मतलब जो एंगल होता है ये हमारा खुला हुआ रहता है। एंगल तो खुला है लेकिन जो ड्रेनेज है, जहाँ से हमारा फ्लूइड ड्रेन हो रहा है, वहाँ पे ब्लॉकेज है। तो वहाँ जो ब्लॉकेज है जिसके कारण फ्लूइड अंदर ही अंदर हमारा सर्कुलेट कर रहा है, तो फिर से हमारा प्रेशर बढ़ रहा है, आँखों की नस पे दबाव पड़ रहा है और एंगल ग्लॉकोमा बन रहा है। अब ये ग्लॉकोमा मेनली पेनलेस होता है, मतलब इसमें हमें दर्द नहीं होता है। ये धीरे धीरे हमारी रोशनी को कम करता रहता है, इसीलिए इसको साइलेंट थीफ ऑफ साइट भी बोलते हैं। तो इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि
कि जो प्राइमरी ओपन एंगल ग्लॉकोमा में जो पेरिफेरल नर्व फाइबर्स होते हैं वो पहले डैमेज होते हैं ऑप्टिक नर्व के, और सेंट्रल फाइबर्स लास्ट में डैमेज होते हैं। इसका मतलब क्या हो? जो पेरिफेरल नर्व फाइबर्स हैं वो हमारी पेरिफेरल विजन के लिए होते हैं, और जो सेंट्रल फाइबर्स होते हैं वो सेंट्रल विजन के लिए होते हैं। आसान भाषा में हम ये कह सकते हैं कि जब हम रोड पे चल रहे हैं तो हमें साइड में निकलने वाला जो आदमी हो या गाड़ी हो वो हमें नहीं दिख पाएगी, क्योंकि हमारी सेंट्रल विजन तो मेंटेन्ड है लेकिन पेरिफेरल विजन धीरे धीरे कम हो रही है। हमारी रोशनी एक सुरंग की तरह कम होती रहेगी, इसलिए इसको हम टनल विजन भी बोलते हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि इन साइंस को पकड़ने के लिए हमें डॉक्टर के पास जाके रेगुलर चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है। अब हम जानेंगे दूसरे प्रकार का ग्लॉकोमा, जिसे हम कहते हैं एंगल क्लोजर या नैरो एंगल ग्लॉकोमा। इसे जानने के लिए मैं बताना चाहूँगी कि जो ड्रेनेज एंगल होता है वो आयरिस और एक कॉर्निया, इन दोनों के एंगल से बनता है। अब ये जो ड्रेनेज एंगल है इसमें जो आयरिस होता है अगर अब कॉर्निया के बहुत नज़दीक आ जाए और ये एंगल ब्लॉक हो जाए तब भी हमारा जो एक्वस ह्यूमर, जो लिक्विड है, जो फ्लूइड है, वो फ्लो नहीं हो पाएगा, वो ड्रेन भी नहीं हो पाएगा, तो अंदर ही अंदर सर्कुलेट होगा। अब इससे क्या होगा? इससे अंदर अंदर प्रेशर बढ़ता रहेगा, और इतना प्रेशर बढ़ेगा कि आँखों में दबाव होने लग जाएगा, आँखों में दर्द होने लग जाएगा, सर दुखने लग जाएगा, रोशनी कमज़ोर होने लग जाएगी, आँखें लाल हो जाएंगी, पानी आने लग जाएगा। जब रोशनी देखेंगे तो आपको चारों तरफ रेनबो के कलर की रिंग्स दिखेंगे। ये एक बड़ी इमरजेंसी है, इसमें इस एक्यूट अटैक की कंडीशन में हमें तुरंत ही आई स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए, क्योंकि अगर हम टाइम से नहीं दिखाएंगे तो हमारी रोशनी जा सकती है। अब हम जानते हैं कौन है वो लोग जिन्हें ग्लॉकोमा से रिस्क है। पहले जो 40 के उम्र के ऊपर हो चुके हैं, दूसरा जिनके फैमिली में किसी को ग्लॉकोमा है, ये लंबे समय तक चल रहा हो या ड्रॉप्स डाल रहे हो, क्योंकि ये कंडीशन हेरिडिटरी भी हो सकती है, जो डायबिटीज़, बीपी या हार्ट के पेशेंट्स हों, जो लंबे समय तक स्टीरॉयड्स ले रहे हों, जिन्हें आँखों में चोट लगी हो, जिन्हें माइग्रेन हो, और वो लोग जिन्हें दूर का और पास का कम दिखता हो। अब हम कैसे पता लगाएं कि आपको ग्लॉकोमा या कालापानी है? ग्लॉकोमा का डायग्नोसिस एक कंप्लीट आई एग्जामिनेशन से ही लग सकता है। इसमें सबसे पहले आप आई डॉक्टर के पास जाएंगे, जहाँ पे आपके आँखों का पूरा एग्जामिनेशन होगा। दूसरा, आपके आँखों का प्रेशर नापा जाएगा, जिसको हम बोलते हैं टोनोमेट्री, और जो गोल्ड स्टैंडर्ड मैकेनिज्म है वो है एप्लेनेशन टोनोमीटर, जिससे हम आईओपी को नापते हैं। दूसरा, हम एंगल को मेजर करते हैं, जो कि है गोनियोस्कोपी से। फिर हम ऑप्टिक नर्व को चेक करते हैं, जिसमें हम रेटिना का एग्जामिनेशन करते हैं और ऑप्टिक नर्व के आकृति या स्ट्रक्चर को देखते हैं और असेस करते हैं कि कितना डैमेज हो चुका है, क्या अर्ली डायग्नोसिस है ग्लॉकोमा का या ये प्रोग्रेशन पे है। इसके अलावा और भी जांचें हैं जिससे हम कंफर्म कर सकते हैं कि किस तरह का ग्लॉकोमा है। एक होता है विजुअल फील्ड एनालिसिस, जो हम ऑटोमेटेड पेरीमेट्री से करते हैं। दूसरा होता है ओसीटी स्कैनिंग, जिसमें हम जो नर्व फाइबर लेयर होती है उसको स्कैन करके असेस करते हैं कि कितना ऑप्टिक डिस्क का डैमेज है। फिर हम कॉर्निया थिकनेस को मेजर कर सकते हैं पैकीमेट्री से। इन सभी जांचों से पता लगाया जा सकता है कि ग्लॉकोमा किस स्टेज पर है, अर्ली पे है, कन्फर्म है या लेट स्टेज पे है, और क्या प्रोग्रेशन हो सकता है। अब हम बात करेंगे ग्लॉकोमा या कालापानी का ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। ट्रीटमेंट को हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, एक मेडिकल मैनेजमेंट, एक सर्जिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में हम देते हैं दवाइयाँ, टैबलेट और कभी कभी इंजेक्शन या सिरप भी दे सकते हैं। सबसे पहला प्रोटोकॉल होता है दवाइयाँ, जो हमें नियमित तरीके से डालनी चाहिए। जो आई ड्रॉप्स होती हैं वो दो तरीके से हो सकती हैं, या तो वो एक्वस ह्यूमर के फ्लो को बढ़ाएंगी, नहीं तो वो एक्वस ह्यूमर के प्रोडक्शन को कम करेंगी। आई ड्रॉप्स डालने से रोशनी जो होती है, जो बच गई है, वो और कम होने से बच जाएगी। तो नियमित तरीके से डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये लाइफ टाइम चलती है। कुछ ड्रॉप्स हम बदलनी भी पड़ सकती है,
कुछ ड्रॉप्स चेंज भी हो जाती हैं, कुछ ड्रॉप्स बंद भी हो जाती हैं, लेकिन हमें अपनी तरफ से नहीं करना है। हमें हमेशा आई डॉक्टर से कंसल्ट करके ही ये चेंजेस मॉनिटर करने हैं। केवल आई ड्रॉप से ही आईओपी मेंटेन नहीं किया जाता, कभी कभी हमें टैबलेट्स भी काम में लेनी पड़ती हैं, जैसे कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स। कभी कभी हमारे आँखों का प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि हमें तुरंत ही इन्फ्यूजन मतलब मैनिटोल का इंजेक्शन लगाना पड़ सकता है, नहीं तो सिरप ग्लिसरॉल भी देना पड़ सकता है। तो ये हो गया हमारा मेडिकल मैनेजमेंट। अब जब मैक्सिमम मेडिकल मैनेजमेंट के बाद भी आईओपी मेंटेन नहीं हो रहा और ग्लॉकोमा काला पानी प्रोग्रेशन में जा रहा है, तब हम जाते हैं नेक्स्ट मोड ऑफ एक्शन मतलब सर्जरी। अब सर्जिकल चॉइसेस भी तीन तरीके की होती हैं। पहला होता है ट्रैबेकुलेक्टमी, दूसरा इम्प्लांट्स एंड तीसरा लेज़र। ट्रैबेकुलेक्टमी में हम एक नया ड्रेनेज प्रोसेस क्रिएट करते हैं, जिसके कारण जो एक्वस ह्यूमर जहाँ पे ब्लॉक हो रहा था वो आसानी से फ्लो हो जाता है और आपके कंजंक्टिवा में एब्जॉर्ब हो जाता है। दूसरा लेटेस्ट प्रोसीजर है इम्प्लांट, इसे हम ग्लॉकोमा ड्रेनेज इम्प्लांट भी कहते हैं। ये इम्प्लांट आँखों में रखा जाता है और जो एक्वस ह्यूमर के ड्रेनेज को नया चैनल दे देता है और ये फाइनली एक्वस ह्यूमर ड्रेन कर देता है, तो प्रेशर कम हो जाता है। और अब हम आते हैं लेज़र प्रोसीजर में। दो तरीके के होते हैं, एक होता है ट्रैबेकुलोप्लास्टी और दूसरा होता है आयरिडोटोमी। ट्रैबेकुलोप्लास्टी में हम ड्रेनेज प्रोसेस को खोल देते हैं लेज़र के थ्रू, और आयरिडोटोमी में हम आयरिस में होल पैदा कर देते हैं ताकि एक्वस ह्यूमर आसानी से फ्लो कर सके। अब हम जानेंगे हम लाइफस्टाइल में ऐसे क्या मॉडिफिकेशन करें ताकि हम ग्लॉकोमा से बच सकें। सबसे पहले हम एक हेल्दी डाइट लें जो विटामिन्स और मिनरल से भरपूर हो, एंटीऑक्सीडेंट्स हों, विटामिन्स ए सी और ई की मात्रा ज़्यादा हो। हम कैफीन का सेवन कम करें, हम पानी का सेवन ज़्यादा करें, हम आँखों की एक्सरसाइज रोज़ाना करें, सर के नीचे तकिया लगाकर सोएं। रिसर्च के अनुसार कहा जाता है कि सर के नीचे तकिया लगाने से हमारे आँखों का प्रेशर मेंटेन रहता है। और स्ट्रेस, आज के ज़माने में जो स्ट्रेस है वो एक ट्रिगरिंग फैक्टर बन जाता है ग्लॉकोमा बढ़ाने के लिए, तो स्ट्रेस कम करें, मेडिटेशन प्राणायाम ये ज़्यादा करें। ग्लॉकोमा दुनिया का दूसरे नंबर का मुख्य कारण है जो पोटेंशियल ब्लाइंडनेस क्रिएट करता है। सेकेंड वीक ऑफ मार्च में वर्ल्ड ग्लॉकोमा वीक सेलिब्रेट किया जाता है और इसका मेन पर्पस यही है कि हम लोगों में अवेयरनेस फैलाएं, उनको जागरूक बनाएं कि ग्लॉकोमा होता क्या है और उन्हें फ्रीक्वेंट रेगुलर आई चेकअप के लिए मोटिवेट करें, जिसके कारण हम ग्लॉकोमा को इनिशियल स्टेज पे पकड़ सकते हैं और उसके बाद हम धीरे धीरे इसे मात दे सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। मैं डॉक्टर अनुभूति शर्मा, आई स्पेशलिस्ट, आँखों से संबंधित किसी भी जानकारी या किसी भी तरह की बीमारी के इलाज के लिए मुझसे संपर्क करें। दोस्तों, आज हमारे साथ थीं डॉक्टर अनुभूति शर्मा, जिन्होंने हमें बताया ग्लॉकोमा या काला पानी के क्या लक्षण होते हैं, क्या इसकी जांचें होती है और कैसे इसका इलाज करा जाता है। बाकी भारत के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.thedoc.com को विजिट कर सकते हैं। बाकी हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड ऑथेंटिक, रिलायबल और यूजफुल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा चैनल द डॉक हेल्थ ज़रूर सब्सक्राइब करिए। बाकी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। थैंक यू, टेक केयर।